प्रतिदिन और विशेषकर कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर की पूजा करना चाहिए और श्री दामोदर अष्टकम प्रार्थना का पाठ करना चाहिए, जो भगवान दामोदर को बहुत प्रसन्न करती है। साथ ही उनके लिए दीपदान भी करना चाहिए। श्री दामोदर अष्टकम में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधने की बाल लीला और श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने की लीला का वर्णन किया गया है। श्री दामोदर अष्टकम को पढ़ने अथवा सुनने से भी श्री भगवान कृष्ण की महती कृपा प्राप्त होती है और उनकी भक्ति मिलती है। मैं श्री भगवान कृष्ण, जिनका रूप सत चित और आनंद से परिपूर्ण है और जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं नमन करता हूँ। वही श्री कृष्ण अपने बाल रूप में दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के कारण मैया यशोदा के डर से उखड़ से कूदकर बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं। उन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वे रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें भय से भरी हुई हैं और उनके गले का मोतियों का हार, जो शंख पर बनी तीन रेखाओं की भांति तीन लड़ियों से बना है, रोते हुए जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे श्री भगवान को, जो रस्सी से नहीं बंधे हैं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमन करता हूं। अपने बाल्यकाल की ऐसी लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहने वालों को भक्तिमय प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं और जो अपने भरपूर ऐश्वर्य रखने वाले और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं, ऐसे दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूं। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, फिर भी मैं आपसे ना तो मोक्ष की कामना करता हूं, ना ही मोक्ष के सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ में जाने की इच्छा रखता हूं। मैं 9 प्रकार की भक्ति यानी नवधा भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले किसी वरदान की कामना भी नहीं करता हूं। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदैव बना रहे। इससे अन्य और किसी वस्तु से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल कुछ घुंघराले लाल बालों से ढका हुआ है और आपके ओठ बिंबफल जैसे लाल हैं। ऐसा आपका मुख कमल मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है। आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में सदैव विराजित रहे। इसके अतिरिक्त अन्य सहस्त्रों वरदानों का भी मेरे लिए
कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुन्द्र में डूबा जा रहा हूं। मुझ दीनहीन व्यक्ति पर आप अपनी अमृतमय कृपा की बरसात कीजिए और कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए। हे दामोदर, कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव तथा नल कुबेर नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में आपके आंगन में मूर्ति की तरह खड़े हुए थे। आपके पेट से रस्सी बंधी हुई थी तब भी, और माता यशोदा द्वारा उखल से बांधे होने के बाद भी आपने उनका उद्धार किया और उन्हें भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी अपनी प्रेममयी भक्ति प्रदान कीजिए, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार के मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, मैं आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जू या रस्सी को प्रणाम करता हूं, और आपका उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका, जो आपको अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। और हे अनंत लीलाओं को करने वाले भगवान, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं पुनः श्री भगवान कृष्ण, जिनका रूप सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, और जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, उन श्री भगवान के चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इति श्री दामोदर अष्टकम् संपूर्ण।